नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद किया, वो शराब पीने में जेल जा चुके हैं, वो हम पे केस कर रहे हैं। मैंने तो चैलेंज किया है नीतीश कुमार जी को, दम है भारतीय जनता पार्टी का, एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता, जब मांगोगे खून देंगे, खून लो जांच कराओ। मैं तो नीतीश बाबू से मैंने कहा था कि आपकी पार्टी जो है इस तरह का हरकत कर रहा है, अब तो नीतीश बाबू को जवाब प्रश्न करना चाहिए था, अब नीतीश बाबू ने प्रश्न ही नहीं किया। मैं तो कह ही रहा हूँ, खुली खुली चुनौती दे रहा हूँ नीतीश कुमार जी को कि आपके 18 साल में बिहार के लोग शराबी हुए, कल तक 1000 भी शराब की दुकान बिहार में 2005 तक नहीं था, और 2005 से लेकर 16 तक 10000 से अधिक शराब की दुकानें हुई, तो बिहार के लोगों को शराबी किसने बनाया? और आज तो घर घर शराब बिक रहा है, होम डिलीवरी है, ये नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए ना। और ये क्या सोचते हैं कि हम लोग डरने वाले हैं? अरे हम तो आंदोलन से ही आए हैं, इसी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में लालू प्रसाद जी ने कई आपराधिक मामले मेरे खिलाफ कराए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूँ ये नीतीश बाबू का षड्यंत्र, मैं जानता हूँ, यही फंसाते हैं बिहार में, यही फंसाते हैं। नीतीश कुमार जी ही सबसे बड़े फंसाने वाले तंत्र के मालिक बैठे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कर्नाटक हारने के बाद भाजपा को अब बिहार हारने का डर सताने लगा। देखिए अब राजनीतिक तौर पर कोई यदि राजनीतिक तौर पर कोई काम कर रहा हो तो बात कीजिए, पिछले 8-10 महीने से तो मैं नहीं जानता हूँ कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में भी है। नीतीश कुमार ने एक मंच से अपने सचिव को प्रधानमंत्री का सचिव कह दिया। अरे यही तो मैंने कहा कि स्वयं घोषित किए कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। देखिए होता क्या है कि रात में सपना देखते हैं नीतीश बाबू, उस सपनवा दिन भर याद रहता है। अब तो हमको लगता है कि इलाज विलाज की जरूरत है, कभी बिहार शरीफ बनाने लगते हैं, कभी कुछ और बात ऐसी बात बोल जाते हैं जिसको हम ही लोग शर्मसार हो जाते हैं। विधानसभा की कई घटना आप लोगों को याद होगी, तो अब वो क्या क्या बोलते हैं वही जाने। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद किया ये मैं जानता हूँ। पटना के कोतवाली थाना में आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गया। अरे जिसने FIR मेरे खिलाफ कराया उनसे ये पूछिए कि उन्हीं को शराब के मामले में अभियुक्त बनकर जेल जाना देना पड़ा, वो शराब पीने में जेल जा चुके हैं, वो हम पे केस कर रहे हैं। मैंने तो चैलेंज किया है नीतीश कुमार जी को, दम है भारतीय जनता पार्टी का, एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता, जब मांगोगे खून देंगे, खून लो जांच कराओ। यदि शराबी तुम नहीं हो, यदि नीतीश कुमार जी की सरकार या नीतीश कुमार के लोग शराबी हैं तो आप DNA का जांच कराओ और बताओ। 5 दिन हो गए मुंगेर के घटना का, या बिहार के कोई भी जनता दल यूनाइटेड के लोग अपना खून जांच कराइए और बिहार को बताइए कि हम शराबी नहीं हैं।